ना घी, मावा, ना चाशनी, ना दूध, ना मलाई, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस तीन चीज़ों से हम आज ही से इस पेड़ा को बना के रेडी करेंगे। ये पेड़ा बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। राखी के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक इज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1/4 कप जितना बेसन। बेसन के आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या फिर बाउल सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बेसन को डाल दी हूँ कढ़ाई में, और कढ़ाई में इसे डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आ जाए और थोड़ा सा कलर आ जाए। बस हमें इसीलिए बेसन को भूनना है, नहीं तो बेसन कच्चा लगेगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा भून लेना है। तो यहाँ पर बेसन थोड़ा सा मैं भून ली थी। यहाँ पर ले ली हूँ मैं पनीर। पनीर को अच्छे से देखिए ग्रेट कर ली हूँ इस प्रकार। मैं यहाँ पर पनीर ली हूँ 250 ग्राम। तो सारे पनीर को अब हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, और इसमें हमें बस 2 चम्मच डालना है इसमें मिल्क पाउडर। थोड़ा सा अच्छा लगेगा और फ्लेवर भी अच्छा सा आएगा। तो मैं इसे ग्राइंडिंग करके लेके आ गई हूँ। बस पॉल्स में आप इसे 2-3 बार ग्राइंड कर लीजिएगा रुक रुक के, और इसे चलिए अब साइड करके रखते हैं और चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ 1/2 कप जितना मैं ली हूँ शुगर। तो हमें चीनी चाहिए। चीनी को हमें क्या करना है, कारामेल करना है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई रख के चीनी को डाल दी हूँ, और फिर हम चलिए इसे कारामेल होने के तक इंतज़ार करते हैं और इसे इस तरह पकाते रहेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है और देखिए कारामेल फर्म में आ गया है। तो अब हम इसे और थोड़ा सा बस पकाएंगे, बस इसमें और थोड़ा सा इसे डार्क करना है बस। और ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया है हमारा कारामेल शुगर। तो अब हम चलिए इसमें डाल देते हैं जो हमने ये जो पनीर और मिल्क पाउडर का पेस्ट बनाया था, और ये भुना हुआ बेसन। बस सारे चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें अच्छे से डो के फॉर्म में आने तक हमें इसे पकाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है पहले। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली हूँ। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो गया है, सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसे हमें ये देखिए मैंने पका रही हूँ इस प्रकार, और इसे हमें कच्ची से ऐसे ही चलाते रहना है। तो ये देखिए पैन अच्छे से छोड़ रहा है, मतलब हमारा बनके ये रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा देखिए इलायची का पाउडर। ये 2 इलायची को मैं कूट लेती हूँ, तो इसका पाउडर बस हमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से पैन को छोड़ रहा है और कच्ची से भी ये अच्छे से देखिए निकल रहा है। बस हमें इतने तक ही पकाना है, क्योंकि हमने इसमें छेना डाला है, तो ये जितना हमें रखेंगे उतना ही रहेगा। अगर हम सिर्फ बेसन से बनाते ये पेड़ा, तो फिर हमें ये लिक्विड फॉर्म में जब होता तभी हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि बेसन ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए ये हमारा इसमें छेना डाला है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बस हमें इतने देर तक इसे पकाना है। तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हमें प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया बन के रेडी हुआ है, ये देखिए। तो चलिए थोड़ी देर बस ठंडा होने के लिए हम 5 मिनट इसे छोड़ देंगे। जब तक हम इसे अच्छे से पकड़ लेंगे तब तक इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ा बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ठंडा होने गया है थोड़ा सा। मैं हाथों में अच्छे से पकड़ पा रही हूँ। बस हमें अच्छे इसे 2-3 मिनट और इस तरह गूंथ लेना है, और इसे अच्छे से हमें गोल गोल शेप बना के इसमें ऐसे जितना चाहिए आप उतना पेड़ा बना सकते हो। बस मैं थोड़ा सा नींबू के साइज़ का ले ली हूँ डो, और इसे हमें अच्छे से देखिए गोल इस तरह शेप दे देंगे। और ये देखिए इस प्रकार देने के बाद हमें इसे बीच में से ही बस एक होल बनाना है। तो मैं पहले इसमें पेड़ा इस प्रकार एक बना ली थी, और दूसरा देखिए आपको इस प्रकार दिखा रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार बस इसमें बीच में ही बस एक इस तरह अंगूठा दे देना है। बस ये बन के हमारा पेड़ा बन के रेडी हो गया है। बस इसी तरह हमें सारे पेड़ा बना लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे पेड़ा बनाने के बाद।
तो ये देखिए फ्रेंड, सारा पेड़ा मेरा बनके रेडी हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर इसमें डाल दी हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाए। आप इसके अंदर आप जब बीच में चाहो तो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, पिस्ता वगैरह इस तरह थोड़ा सा क्रश करके आप डाल सकते हो और थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। मैं बस ऐसे ही सिंपल रखती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।